वर्क डन ड्यूरिंग एडियाबैटिक प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस जब भी होता है उसमें जब भी कंप्रेशन या एक्सपेंशन करते हैं वो प्रोसेस स्लोली स्लोली किया जाता है। वो इसलिए स्लोली किया जाता है कि अगर आपने जोर की दबा दिया तो एकदम टेम्परेचर इंक्रीज हो सकता है, और जबकि हमने टेम्परेचर को क्या रखना होता है, कॉन्स्टेंट। तो धीरे धीरे कंप्रेस, धीरे धीरे एक्सपेंड किया जाता है। एडियाबैटिक प्रोसेस में ऐसा नहीं होता। एडियाबैटिक प्रोसेस में टेम्परेचर बढ़ जाए तो बढ़ जाए, कम हो जाए तो कम हो जाए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। उल्टा हम चाहते हैं कि कम या ज्यादा हो, क्योंकि अगर कम या ज्यादा नहीं होगा, स्लो करेंगे तो टेम्परेचर कॉन्स्टेंट रह सकता है, तो फिर आइसोथर्मल हो सकता है वो। हम एडियाबैटिक प्रोसेस में कभी भी कंप्रेशन या एक्सपेंशन करते हैं वो याद रखना वो क्विकली करते हैं, तेज करते हैं, ताकि टेम्परेचर में चेंज नजर आए हमें, और हीट का एक्सचेंज जो है वो इसमें होता रहेगा, क्योंकि इसमें कोई सिलेंडर के नीचे से हीट अंदर बाहर सॉरी नहीं होता रहेगा, क्योंकि वो उसको इंसुलेट कर देते हैं बिल्कुल ही, तो हीट तो कहीं बाहर जाएगी नहीं। आप क्विकली उसे दबाओगे या क्विकली एक्सपैंड करोगे तो ड्रास्टिकली टेम्परेचर में चेंज आपको नजर आता है। आपके वैसे रूल बता रहा हूं मैं कि तो क्योंकि हम प्रोसेस एडियाबैटिक कर रहे हैं तो स्टार्टिंग हमने कहां से की, पिस्टन पहले यहां पर था तो प्रेशर P1 था, वॉल्यूम V1 था, टेम्परेचर T1 था। अब फाइनली जब पिस्टन यहां पर हो गया तो P2, V2 और T2 हो गया, क्योंकि कंडीशन चेंज हो गई, PVT की कंडीशन चेंज हो गई। पिस्टन जब रास्ते में ऊपर जा रहा था तो किसी भी इंस्टेंट पर प्रेशर P था, वॉल्यूम V था, टेम्परेचर T था। अगले इंस्टेंट पर हम जब ये प्रोसेस करते हैं एक्सपेंशन या कंप्रेशन का, मैंने लास्ट टाइम भी बताया था प्रेशर को कॉन्स्टेंट रखा जाता है, तो वॉल्यूम क्या हो गया, बढ़ गया थोड़ा सा, और टेम्परेचर थोड़ा सा गिर गया, क्योंकि एडियाबैटिक है, टेम्परेचर में चेंज आएगा। एक्सपेंशन से टेम्परेचर थोड़ा डिक्रीज हो जाता है, सबको पता है, तो ये कंडीशन है। अब स्टार्ट कहां से करना है, कोई भी वर्क डन हो, चाहे सो थर्मल हो, एडियाबैटिक हो, दुनिया का कोई वर्क डन हो, मैथमेटिकल वर्क डन कैलकुलेट करने का फॉर्मूला ही एक है, PdV की इंटीग्रेशन। तो हमने कहां से कहां इंटीग्रेट करना है, V1 से लेके V2 तक। फर्क कहां पर आएगा, फर्क इक्वेशन पे आएगा, क्योंकि अगर ये प्रोसेस आइसोथर्मल होता तो PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, क्योंकि ये प्रोसेस एडियाबैटिक है तो PV रेज टू पावर गामा इज अ कॉन्स्टेंट की इक्वेशन लगेगी। तो यहां से एक काम करते हैं, V रेज टू पावर गामा नीचे आ गया, ऊपर गया तो क्या बना, K इंटू V रेज टू पावर माइनस गामा, तो ये इक्वेशन आ गई, ये प्रेशर की वैल्यू आ गई। इस प्रेशर की वैल्यू को उठा के वर्क डन में पुट करना है, तो जब आप इसको ऊपर यहां पुट करेंगे तो K कॉन्स्टेंट बाहर आ गया, तो क्या बचा, V रेज टू पावर माइनस गामा इंटू TV। तो इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, वी रेज टू पावर माइनस गामा प्लस वन, माइनस गामा प्लस वन, इसे इंटीग्रेट कर दिया। अब इंटीग्रेशन में काम करेंगे, ये वन माइनस गामा बाहर आ गया, और ये भी थोड़ा ठीक तरीके से लिख दिया, वन माइनस गामा कहाँ से कहाँ, वी वन से वी टू। एक बार वी की जगह अपर लिमिट V2, तो ये V2 आएगा, एक बार वी की जगह लोअर लिमिट V1, तो ये V1 आएगा। तो आपके पास ये इक्वेशन आ गया एडियाबैटिक की। अब जो गामा होता है वो हमेशा ग्रेटर देन, जो गामा है वो ग्रेटर देन 1 है, तो अगर गामा ग्रेटर देन 1 है तो एक काम करते हैं, 1 माइनस गामा को उल्टा करके लिखो गामा माइनस 1। तो जब आप इसे चेंज करके लिखोगे तो आप इसे भी चेंज करके लिखोगे, V1 वाली टर्म आगे आएगी और V2 वाली टर्म पीछे जाएगी, तो आपके पास ये इक्वेशन आ गया एडियाबैटिक की। अब लास्ट स्टेप है, आप इसमें K की फॉर्म में आंसर निकाल नहीं सकते, आप K को मल्टीप्लाई कर दो फर्स्ट और सेकेंड टर्म के साथ, मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई करके एक काम करते हैं, एडियाबैटिक की इक्वेशन है क्या, PV रेज टू पावर गामा इज अ कॉन्स्टेंट, तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि यहाँ पर P1 V1 रेज टू पावर गामा इज इक्वल टू P2 V2 रेज टू पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट के, तो P1 V1 गामा, P2 V2 गामा दोनों के हैं। तो एक काम करते हैं, जहाँ तो 1 वाली टर्म आ रही है वहाँ K की जगह रिप्लेस करते हैं P1 V1 रेज टू पावर गामा, और जहाँ 2 वाली टर्म आ रही है वहाँ K की जगह रिप्लेस करते हैं P2 V2 रेज टू पावर गामा। तो K की जगह पुट किया P1 V1 रेज टू पावर गामा, और यहाँ पर K की जगह P2 V2 रेज टू पावर गामा। आप इन्हें मल्टीप्लाई करें, V की पावर ऐड करके गामा गामा कैंसिल, तो क्या बनेगा P1 V1, इन्हें मल्टीप्लाई करें तो गामा गामा कैंसिल, तो क्या बनेगा P2 V2। तो ये फॉर्मूला नोट करें, दिस इज वर्क डन इन एक्सपेंशन या कंप्रेशन, 1 मोल ऑफ अ गैस इन एडियाबैटिक प्रोसेस। तो ये आपके पास क्या आ गया, 1 मोल ऑफ गैस का की वैल्यू आ गई वर्क डन की। आप PV को RT भी पुट कर सकते हैं, RT1 और इसकी जगह RT2, ये दोनों वर्क डन हैं 1 मोल के। 1 ग्राम का अगर वर्क डन निकालना है तो इसको कैपिटल M से क्या करना है, डिवाइड। तो प्लीज ये फॉर्मूला नोट करें, इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं वर्क डन कैलकुलेट करने के।